साहिल, साहिल, साहिल क्या हुआ तुम्हें? हाँ, पुलिस ने कुछ किया? उन्होंने हाथ उठाया तुम पर? बोलो ना साहिल, क्या? कुछ नहीं किया, मैंने ये खुद किया। मुझे आपसे बात करनी थी विदिका जी, और आज ये मुझे आपसे कोई बात करने नहीं दे रहा था, लेकिन यह हॉस्पिटल में कोई मुझे रोकेगा नहीं, आपसे बात करना मेरे लिए जरूरी है। विदिका जी, मैं जानना चाहता हूँ गुड्डू की किसी के साथ दुश्मनी थी, या किसी के साथ झगड़ा या लड़ाई की थी उसने, या फिर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ ये किसने किया, मैं जानती हूँ किसने किया। उसने खुद अपने मुंह से कबूल किया। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर हम पुलिस की मदद से उसे पकड़वाएंगे। पर साहिल, सबसे पहले मुझे तुम्हें जेल से छुड़वाना है। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। आज मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा है तुम पे, जो तुम्हें बता नहीं सकते। हाँ माँ, लेकिन वेदिका अग्रवाल वो भी बाकी है, वो इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। अपने पति को बेल दिलाने के लिए कुछ ना कुछ तिकड़म जरूर लगाएगी। बड़ा घमंड है ना उसे अपने प्यार पे, मुझसे बदला लेने चली थी, पर जानती नहीं है कि आने वाली सुबह उसके लिए रोशनी नहीं अंधकार लेकर आएगी, और ऐसा अंधकार जिसमें मैं उसका प्यार, उसका वो पति उससे छीन लूंगा। हमारे साहिल को मारेगा तू? हमारे घर के चिराग को बुझाएगा? अरे साहिल हमारा गुरूर है, हमारी जान है, हमारा जहान है, उसका बाल भी बाका नहीं होने देंगे आप। जब से तुम दोनों हमारे घर में आए हो ना, मनुष्यत छा गई है। अरे बहन होकर दूसरी बहन के खुशहाल जीवन को तबाह कर दिया तूने नीलम। अब हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जो एक कपट इंसानों के साथ किया जाता है। बड़ी अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? बंदूक नीचे, दूर रह, दूर हट, चलने तो बोली। बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा प्लीज, बड़ी अम्मा ये गलत है, मत कीजिए। बड़ी अम्मा बंदूक नीचे रख। तुम हमको बताओगी कि क्या गलत है और क्या सही है? और वो भी इस कमीने के लिए जिसकी वजह से हमारे साहिल के सर पे खून का इल्जाम आया, हमारा साहिल जेल की सलाखों के पीछे। अरे ये कमीना हमारे साहिल को मारना चाहता है,
आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। बड़ी अम्मा सुनिए आप मेरी बात। बड़ी अम्मा इसके खून से अपने हाथ मत रंगिए, हम इसको कानून के हवाले कर देंगे। तुम तो दूर है। आज इसे मारकर हमारे हाथ इसके खून से रंग भी जाए ना तो हमें अफसोस नहीं होगा। आज हमारी जान भी चली जाए तो हम इस इंसान को छोड़ेंगे नहीं। जो भी करना सोच समझ के करना, कहीं ऐसा ना हो आपको पछताना पड़े। दीदी नहीं, शंकर और आपकी नाजायज औलाद था वो। आपका अपना खून जो कई साल पहले अस्पताल से गायब हो गया था। हमारे घर में रहता था, हमारे इतना नजदीक था और हम उसे पहचान भी नहीं पाए। उसे अपने गले से नहीं लगा पाया। माफ कर दे हमारे पास आ जाएगा। बड़ी अम्मा आप अपने आप को दोष मत दीजिए, आप तो जानती भी नहीं थी कि वो आपका बेटा। सब तेरी वजह से हुआ है ये झूठी हमदर्दी बात। दिखा आपको कितनी बार हमने तुझको समझाया कि ये तीन 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 के राज के पीछे मत पड़ लेकिन नहीं, तुझे तो चैन ही नहीं था। सबका सुख चैन छीनना चाहती थी तू। बड़ी सीबीआई बनने चली थी ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने चली थी ना। देख इसका क्या नतीजा हो गया है। ये नतीजा तेरे कर्मों का है विमला दीदी। अमीर आदमी से शादी करके करोड़पति बन गई थी ना, तो विमला अग्रवाल के नाम से लोग जानते थे तुझे, फिर भी तूने मेरा पति चुराया। तू हाथ छीन लिया मेरा। तुझे क्या लगा था
मेरे अरमानों की चिता पे तू अपना घर बना लेगी? मेरे पति के साथ तूने बच्चा पैदा किया और फिर उसको अपने घर में नौकर बना के रखा, और जब उसने तुमसे अपना हक मांगा तो तुमने उसकी जान ले ली। कैसी औरत है तू? तो जैसे इंसान के साथ यही होना चाहिए था, यही तेरे कर्मों का फल है। तूने मेरा बच्चा मुझसे चुराया। इतने सालों तक हम अपने दिल पर ही बोझ लेकर जीते रहे कि हम अपने बच्चे को बचा नहीं सके। हमारी लापरवाही की वजह से हमारा बच्चा मरा है। तूने इतने सालों तक हमारे बेटे को हमसे दूर रखा है, एक माँ को अपने बेटे से अलग किया, और इतना ही नहीं, तूने हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भी किया। अरे और तो और, उसकी जिंदगी में इतना जहर घोल दिया कि वो अपने परिवार से ही नफरत करने लगा। अपने घर को बर्बाद करने पर तुल गया मैं बेटा। कहा किया तूने ऐसा? कहा कि और नहीं बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा। हाँ, यही चाहती थी मैं। जितना दर्द तुमने मुझे दिया है ना, उससे 100 गुना ज्यादा दर्द मैं तुम्हें देना चाहती थी। आज मेरा बदला पूरा हुआ। आज तूने एक साथ दो दो बेटे खो दिए अपने। अब कभी भी तू क्षितिज के मुंह से मां नहीं सुन पाएगी। अरे चुप हो जाइए आप, शर्म आनी चाहिए आपको। बदले की आग में आप इतनी पागल हो गई हैं। इस बात का भी दुख नहीं कि जिस लड़के को आपने बच्चा समझकर पाला, इस घिनौने खेल में उसकी जान भी चली गई। आपने उसके अंदर ये बदले की भावना डाली है, और उसी भावना में आज आप जल रही हैं। अपने कर्मों का फल सिर्फ बड़ी अम्मा को नहीं, आपको भी मिलेगा। इसी जिंदगी में भरपाई करनी पड़ेगी आपको भी। चुप! ये सब कुछ किया दारा तेरी सास का है। ये बड़ा खेल इसने खेला है, और इसे खत्म आज मैंने और क्षितिज ने किया। बड़ी अम्मा बोला जा, तू जा। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अब जब तक हमारे हाथ तेरे खून से नहीं रन जाते ना, हमारा बदला खत्म नहीं होगा। नहीं बड़ी अम्मा, मत करिए ऐसा। विमला अग्रवाल, आपको जादूगर आजाद परिंदा उर्फ क्रिश अस्थाना के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, ये एक दुर्घटना थी। आप नहीं जानते इसके पहले क्या क्या हो गया। ये पकड़ो हवलदार, लाश को देखो, हथकड़ी लगाओ। ये क्या हो रहा है? यहाँ पुलिस कैसे पहुंची? हाँ मैडम, आप दोनों फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचिए। आप दोनों की गवाही दर्ज की जाएगी। लेकर चलो इनको। क्या बात है, लगता है आजकल अग्रवाल खानदान के सितारे कुछ डूबे से हुए। अरे हमारे कुछ किए बिना ही तबाही की ओर अग्रसर हो रहे। बस पुलिस को एक फोन कॉल और काम तमाम हो गया। वैसे पुनीत तिवारी, अग्रवाल खानदान को टूटते हुए देखने में जो मजा आता है ना, वो किसी और चीज में नहीं आता है। साहिल अग्रवाल, साहिल अग्रवाल, साहिल अग्रवाल, साहिल अग्रवाल, साहिल अग्रवाल,
हमारे मोहल्ले से। हमें नहीं चाहिए ऐसे खूनी लोग। हाँ, और साहिल अग्रवाल और विमला अग्रवाल दोनों ही खूनी है, कातिल है वो। नहीं चाहिए यहाँ से, निकलो। बस कीजिए, बस कीजिए, शांत हो जाइए आप लोग। साले साहब बाहर आ गए भाई। भाई ना करेगा, मानना पड़ेगा वेदिका जी को। कड़ी मेहनत की होगी साले साहब को बाहर निकालने में। अरे ऐसा प्यार तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। शर्म आनी चाहिए आपको। हमारा परिवार इस समय इतने बुरे वक्त से गुजर रहा है, पड़ोसी होने के नाते आपको हमारा साथ देना चाहिए, हमारी ताकत बनना चाहिए। पर आप तो उल्टा हम पर ही कीचड़ उछाल रहे, वो भी सच जाने बिना। ये देखिए साहिल, साहिल अग्रवाल मेरा पति, छोड़ दिया है पुलिस ने इसको, कुछ नहीं किया है इसने, किसी को नहीं मारा है, बेगुनाह है ये। हमने ये साबित कर दिया है कि गुड्डू को साहिल ने नहीं, किसी और ने मारा है। असली कातिल कौन है हम ये पता लगा कर रहेंगे। हमने अपना दामाद खोया है। मेरी 21 साल की बेटी विधवा होगी। प्लीज आप ये तमाशा करना बंद कीजिए। अरे रहने दे वेदिका, तू तो अपने जवान पति के प्यार में अंधी हो गई है। तुझे अपनी बेटी की खुशी की नहीं पड़ी है और तू हमें दोष दे रही है। और हाँ, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि साहिल कैसे उतावला हो रहा था गुड्डू को मारने के लिए, और तुम कैसी माँ हो, अपने इस आशिक को बचा रही हो जिसे तुम्हारी बेटी को विधवा बना डाला। और नहीं तो क्या, एक तरफ साहिल और दूसरी तरफ तेरी सास, दोनों ही खूनी है, दोनों ही कातिल है। हाँ हाँ खूनी है, निकल जाओ इस मोहल्ले से, नहीं चाहिए हमें ऐसे लोग। बहुत बढ़िया, तो ये हमारी सोसाइटी, हमारी पढ़ी लिखी जनता। पहली बात तो ये है कि जब तक किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिलता वो मुजरिम नहीं कहलाया जाता, और दूसरी बात ये कि मेरे और मेरे बड़ी अम्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है तो हम दोषी नहीं है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको बहुत जल्दी है कि मुझे फांसी मिल जाए। तो मैं एक काम करता हूं ना, आप सबके लिए चीजें आसान कर देता हूं, मैं खुद अपने आप को सजा देता हूं। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं आप सबको, इसके बाद अगर मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिला या अगर मैं दोषी हूं, मैं खुद ये मोहल्ला छोड़ के चले जाऊंगा। वो सब छोड़िए, पत्थर टमाटर जो भी आपके पास है सब मारिए मुझे, जो करना है कीजिए, मैं ये मोहल्ला, ये शहर, ये सोसाइटी, ये दुनिया छोड़ के चले जाऊंगा। तब खुश होंगे आप सब, बोलिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज यहां से चले जाइए। अगर एक पड़ोसी होने के बावजूद आप एक दूसरे पड़ोसी को सपोर्ट नहीं कर सकते उसके बुरे वक्त में, तो हमें आप सबके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना। जाइए प्लीज, जाइए। चलो भाई। हो सकता है साहिल, वेदिका जी वो बड़ी अम्मा का बेटा मेरे मेरे भाई जैसा, और उसने गुड्डू को मार दिया, छोटा पैकेट के गुड्डू को खत्म कर दिया उसने। हम संभालेंगे। कैसे संभालेंगे वेदिका जी, बताइए आप,
वो कभी भी आने वाली है और उसे कैसे फेस करेंगे हम।